It's 4:30 in the morning. And see you later. So guys, we are ready. और अब अराउंड 6 बज चुके हैं सुबह के एंड हम बस अभी अपने बैग्स हैं जो वो बाइक पर माउंट कर और निकलने वाले हैं पालमपुर से डायरेक्ट मनाली के लिए। So guys, अभी बस पहले इस बाइक पे सारा सामान हैंग करेंगे, फिर इस पे करेंगे और फिर निकल जाएंगे यहाँ से पालमपुर। जय माता दी, जय माता दी। तो गाइस, आज हमारा डे सेकंड शुरू हो गया लद्दाख ट्रिप के लिए और हम अभी पालमपुर से चल पड़े हैं और एंड टाइम है अराउंड 6:30 AM और यहाँ से भी जो मनाली का रास्ता है वो लगभग 6 घंटों का है यहाँ से। और ये पालमपुर है एंड अभी वेदर ऑलमोस्ट क्लियर है यहाँ पे, ये कोई ग्राउंड है, लोग सुबह सुबह रनिंग वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे। गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं बैजनाथ में एंड अभी मतलब 1.5 किलोमीटर है यहाँ से बैजनाथ टेंपल, तो शायद हम जाएं दर्शनों के लिए। मनाली अभी यहाँ से है अराउंड 187। तो यहाँ पे हुआ पड़ा है थोड़ा सा लैंडस्लाइड एंड अभी हम जस्ट पहुंचने वाले हैं बैजनाथ टेंपल। मंडी 78 किलोमीटर। सो गाइस, हम अभी पहुंच चुके हैं बैजनाथ टेंपल। हमने से धूप भी आ गई, तो गाइस ये है बैजनाथ टेंपल और इधर से हम बाइक को अंदर ले जाएंगे एंड थोड़ा पीछे करना पड़ेगा। थोड़ा सा ऑन करके तो गाइस, हम ये पार्किंग है बैजनाथ टेंपल की। ओके, वहाँ से आ रहे हैं अभी डॉक्टर साहब, तो ये है इधर इस साइड पे है टेंपल। सो गाइस, हम अभी पहुँच चुके हैं बैजनाथ टेंपल में और अभी यहाँ पर थोड़ी देर रुकते हैं और फिर निकलते आगे मनाली की ओर। दिस इज द टेंपल। सो गाइज, अब हमने बैजनाथ टेंपल के दर्शन कर लिए हैं एंड अभी थोड़ी भूख भी लग चुकी है क्योंकि टाइम हो गया सुबह के 7 एंड देखते हैं यहाँ पर अगर ब्रेकफास्ट के लिए कुछ अच्छा मिलता है, ठीक है, नहीं तो फिर आगे जाएंगे मनाली की ओर ही। तो गाइस, अब हम निकल चुके हैं बैजनाथ टेंपल से मनाली की ओर, वहाँ से लेना हमें लेफ्ट टर्न। सो गाइस, ये था वो टेंपल, तो चलो गाइस। सो गाइस, टोटल जो अब तक हमने ट्रैवल कर लिया अपने घर से यहाँ तक वो अराउंड 222 किलोमीटर और सुबह का ट्रैवल कर लिया हमने अराउंड 22 किलोमीटर एंड टाइम इज 7 in the morning। अभी टारगेट ये है कि जल्द से जल्द 11-12-1 बजे तक मनाली पहुँच सके, ताकि हम थोड़ा रेस्ट करके और फिर थोड़ा सा मनाली भी एक्सप्लोर कर ले
क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी करा हुआ, लेकिन डॉक्टर साहब का फर्स्ट टाइम है मनाली विज़िट। और बाकी आपको अपडेट करते रहेंगे। एंड अगर गाइस आपने मेरा इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो नहीं करा तो वो थोड़ी थोड़ी देर में ही स्क्रीन आपकी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है उसका हैंडल, तो आप एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है उसका, तो आप वहाँ पर जाकर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ज़रूर फॉलो कर लें। अभी ब्रेकफास्ट पेंडिंग है आज का, कि ब्रेकफास्ट हो जाए तो चलो थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी। बाकी अभी एक डेढ़ घंटा तो हम बिना ब्रेकफास्ट के भी निकाल ही सकते हैं। एंड बाकी जो इधर नीचे व्यूज़ मिल रहे हैं वो पालमपुर एंड बैजनाथ के हैं। और अभी हम हैं मनाली, सॉरी पठानकोट मनाली हाईवे पे। तो चलो गाइस, तो गाइस अब हम मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर हो चुके हैं। एंड एक पीछे शॉर्टी सी जो शॉप, वहाँ पर हमने ऑर्डर करा है कॉफ़ी। A few moments later. कई सभी यहाँ पर पी थी हमने कॉफ़ी और अब निकल पड़े हैं। कॉफ़ी काफ़ी टेस्टी थी। सो गाइस हम अभी जोगिंदर नगर पहुँच चुके हैं एंड टाइम है अराउंड 9 AM। अभी भी मनाली काफ़ी दूर है, सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। सो गाइस इट्स 10 इन द मॉर्निंग एंड हमने अब तक 71 किलोमीटर्स ट्रैवल कर लिया अराउंड 3.5 घंटों में। तो गाइस अभी मंडी सिटी यहाँ से दिखने लगी है वो राइट साइड पे वो सारी, एंड वहाँ से जो व्यू है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा क्योंकि रोड जो है वो स्ट्रेट ही होती है मोस्टली टिल मनाली, एंड साथ में रिवर चलता है बियास रिवर। तो अभी डॉक्टर साहब पीछे फोटोग्राफ्स ले रहे हैं तो इसलिए मैं थोड़ा धीरे चल रहा हूँ। और मंडी गुरुद्वारा है, देखते हैं कि वहाँ पर हम जा सकते हैं दर्शन करने, तो आपको भी जरूर दर्शन करवाएंगे मंडी गुरुद्वारा के। सो गाइस अभी रुके हैं हम यहाँ पर साइड पे, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जूस पीना है तो यहाँ से भी जूस लेंगे, 2 ग्लास ऑर्डर करें अभी और थोड़ी देर में मिल जाते हैं तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी टिल मनाली। तो गाइस अगर राइट टर्न लेते हैं तो डायरेक्ट मंडी सिटी है एंड लेकिन हमें मंडी गुरुद्वारे जाना पहले, तो उसके लिए स्ट्रेट यहाँ से 2.3 किलोमीटर है। तो गाइस यहाँ से मनाली 107 किलोमीटर है। वैसे तो मनाली लेफ्ट साइड है लेकिन हमें पहले गुरुद्वारा जाना है जो कि राइट साइड पे है, तो गुरुद्वारा के बाद हम अपना जो मनाली का है ट्रैवल वो कंटिन्यू करेंगे। जहाँ आज कोई रैली वगैरह लग रही है कांग्रेस की। गाइस हमने राइट टर्न ले ली है एंड गुरुद्वारा साहिब बस पहुँचने वाले हैं। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं मंडी गुरुद्वारा साहिब में, तो यहाँ से जाएंगे हम अंदर। चलो गाइस हम दर्शन करके फिर करते हैं अपना सफ़र नामा कंटिन्यू। सो टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड गाइस। तो ये रहे हमारे डॉक्टर साहब। ओके गाइज़ यहाँ पे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की पवित्र वस्तुएं यहाँ पर पड़ी हुई हैं।
ये श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का पलंग है। ये श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की बंदूक है। ये पंजाबी में लिखा हुआ है श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की बरूद भी कुप्पी साहिब। भाई हमने दर्शन कर लिए हैं एंड गुरु का लंगर शको जी यहाँ पे लिखा हुआ है। शको मतलब कि खाओ। द्वारों में तो 24/7 आपको लंगर मिलता है, स्टे मिलता है, फ्री में सब कुछ। तो चलो खाते हैं बाबा जी का प्रसाद। उन्हें हर बार इसका ध्यान नहीं रहता। ओहो गेयर में है यार ये तो। जय माता दी। चलो गाइस निकलते हैं अभी यहाँ से मनाली की ओर। तो मैंने अपना विंड शीटर उतार दिया अभी यहाँ से क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है। कल तो वेदर थोड़ा ठंडा लग रहा था लेकिन अभी काफ़ी गर्म हो गया है। एंड सुबह की बाइक चल चुकी है 98 किलोमीटर। ओके तो गाइस अभी कंटिन्यूसली हाइट आईज आ रही है बिल्कुल इंक्लाइन है और बाइक की जो स्पीड में रख रहा हूँ बिलो 30 किलोमीटर क्योंकि डॉक्टर साहब बड़ी स्लो आ रहे हैं अभी तो उनके साथ साथ ही चलना पड़ेगा इसलिए मैंने अभी अपनी स्पीड थोड़ी कम कर दी है। आपको बाइक की आवाज़ से पता चल रहा होगा कि कितना इंक्लाइन है। तो जो लेफ्ट साइड उस रोड दिख रही है वहाँ से आए हम तो डॉक्टर साहब उस अभी भी उस रोड के पीछे ही हैं कहीं पे। आई गेस थोड़ी देर ऊपर जाएगा फिर कोई ना कोई रास्ते में जब जे टॉप आएगा तो उसके बाद फिर डिक्लाइन शुरू होगा एंड थोड़ी देर में मतलब अराउंड 50 किलोमीटर्स के बाद बुंतर आ जाएगा और बुंतर के बाद फिर जो मनाली मंडी हाईवे होता है वहाँ से जो रोड है टिल मनाली बहुत ही सही है। एंड एक्चुअली मनाली मंडी जो मेन हाईवे है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं। आई गेस फोर लेन का काम हो रहा है तो वहाँ पे ट्रैफिक वगैरह बड़ी हो जाती है एंड रास्ता भी ख़राब रहता तो इसीलिए हमने ये वाला रास्ता चूज़ करा। ये थोड़ा गांव-गांव वाला रास्ता है लेकिन बड़ा क्वाइट होता है एंड कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई जैम नहीं है तो आराम से इधर से हम बुंतर तक पहुँच जाएंगे। और आफ्टर बुंतर तो बहुत ही मक्खन रोड है भाई, बहुत ज़्यादा। भाई कैसे उधर दूर एक जहाँ जगह पे एक रोड दिख रही है वो हो सकता कि वहीं से गुजर कर निकले हम भी। सो गाइस आई गेस ये है IIT मंडी। यस आई गेस वही होगा। ये 2-3 साल पहले मैं आया था तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी एंड काफी अच्छा बना हुआ है ऊपर से तो दिख रहा है जो।
एंड अभी गाइस हमने फिर मैं और मेरे भाई ने टैंक फुल करवाया। तो जो उसकी बाइक है हीरो HF डीलक्स वो अराउंड 60-65 की माइलेज दे रही है, एंड ये बुलेट जो है ये 41 की माइलेज दे रही है। तो माइलेज के हिसाब से तो दोनों ठीक चल रहे हैं अभी तक, प्लस यहाँ पर थोड़ी पीछे हाइट भी बहुत थी, उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो माइलेज मुझे लगता कि ठीक है। एंड क्योंकि आगे जैसे सारसों के बाद जहाँ मनाली के बाद, वैसे तो बुंतर के बाद ही इतनी हाइट नहीं रहती, रोड काफ़ी प्लेन्स हैं, हाइट तो है लेकिन जैसे रास्ते में पासेज आते हैं तो वहाँ तो हाइट है, लेकिन अगर ऐसा देखा जाए कि 40 की एवरेज आ रही है तो ठीक है, मतलब इतना जैसे पेट्रोल कैरी करना वो तो करना ही है, लेकिन इतनी इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इफ यू आर राइडिंग ऑन बुलेट। बस डर लग रहा है कि बारिश ना आ जाए। एंड अभी मैंने अपना जो माइक है वो मतलब एक्सटर्नल माइक उतारा हुआ है, हो सकता है आपको विंडी विंडी मेरी आवाज़ आ रही हो। स्टनिंग व्यू, स्टनिंग गाइस, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि रोहतांग पास आ चुका है। आई नो इट इज गाइस, सी दिस 30 पैच, लगता है कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई होगी एक दो दिन पहले ही। चलो क्रॉस ऑफ हो रखा है, लेकिन अगर ऐसे रास्तों पे आप और ऊपर से आ जाए बारिश तो फिर तो भाई साहब पंगे वाली बात है। अभी 11-12 किलोमीटर के बाद जो मनाली मंडी हाईवे है वो शुरू हो जाएगा, एंड वहाँ से जो मनाली का रास्ता है वो इतनी मतलब है 40 किलोमीटर से अब अभी, बट वो रास्ता बड़ा अच्छा है तो इतना टाइम नहीं लगता। सो गाइस फाइनली मंडी मनाली हाईवे पर हम पहुँच चुके हैं, और यहाँ से लेंगे लेफ्ट एंड फिर डायरेक्ट मनाली, और यहाँ से मनाली का वे काफ़ी स्मूथ है। जैसे जी पीछे वाला रास्ता हम छोड़ के आए, जो मतलब गांव वाले रास्ते हैं, ये है मेन जो हाईवे मनाली मंडी। यहाँ से अराउंड आई गेस 1 घंटा और लगेगा, अभी 4:15 हो चुके हैं, कोशिश करते हैं कि अगर 5 बजे तक पहुँच जाएंगे। एंड कल का हमारा प्लान रहेगा कि मनाली टू सारचू तक हम पहुंच जाएं, वैसे तो अगर कंटिन्यूस चलाएं तो 5-6 घंटों की राइड है, लेकिन आपको पता कि जिस स्पीड से हम जा रहे हैं, जितनी स्लो हम जा रहे हैं, तो उसको काफ़ी टाइम लग सकता है। बाकी कल जब सारचू की ओर जाएंगे तो रास्ते में बहुत ज़्यादा स्टॉपेजेस नहीं लेंगे, हम कोशिश करेंगे मिनिमम रुकें, बाकी वेदर पे डिपेंड करता है जो भी सिचुएशन होंगी टमोरो। और हमारी जो कोविड की RT-PCR रिपोर्ट है नेगेटिव, वो भी आज 23rd हो गई है, 25th तक वैलिड है, सॉरी 26th मॉर्निंग तक वैलिड है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम परसों पहुंच जाएं, क्योंकि परसों जब मिडनाइट होगी तो वो इनवैलिड हो जाएगी रिपोर्ट हमारी। तो सारचू के बाद उपशी आता है जो कि लद्दाख में पड़ता है, वहाँ पर COVID-19 की रिपोर्ट चेक हो रही है, अगर आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है जहाँ फिर टाइम ऊपर हो चुका है तो वो आपका RT-PCR या रैपिड टेस्ट कर सकते हैं। इवन रैपिड तो करेंगे ही करेंगे, प्लस RT-PCR भी कर सकते हैं, प्लस आपको क्वारंटीन होने के लिए भी वो बोल सकते हैं।
तो मेक श्योर अगर आप लद्दाख आ ही रहे हो तो करंट जो इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस हैं लद्दाख एंट्री के लिए, चाहे आप मनाली से जाएं चाहे आप श्रीनगर से जाएं, तो आपको कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है, मैंडेटरी है। अगर आप वाया श्रीनगर जा रहे हो तो वहाँ पे एक रास्ते में जगह आएगी खलसी, जो कि ले सिटी से अराउंड 1-1.5 घंटा पहले है, तो वहाँ पर आपको कोविड 19 का RT-PCR रिपोर्ट चेक होगा। अदरवाइज वही जो कंडीशन उपशी में रहेंगी वही आपके साथ खलसी में हो सकती हैं। गाइस मनाली अभी ज़्यादा दूर नहीं है, अभी देखते हैं यहाँ से कितनी दूर रह गया है मनाली। गाइस मनाली 23 किलोमीटर, चलो निकले। डॉक्टर साहब रुक गए हैं, पूछते हैं क्या चक्कर हुआ इधर। अच्छा उनका थोड़ा सा दिल टूट चुका है। चलो जी तो अभी दोनों बाइक और हम दोनों रेस्ट मांग रहे हैं कि जल्द से जल्द होटल पहुंच जाएं और रेस्ट करें। तो गाइस जैसे हम मनाली के पास पास आ रहे हैं तो आप माउंटेंस देखिए कितने जाइंट हैं। तो इधर ही कहीं इसके पीछे हमटा पास का ट्रैक है, तो मैंने लास्ट ईयर करा था, उसकी वीडियोस भी हैं मेरे चैनल पर, आप जाकर देख सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो ट्रैकिंग वैकिंग में। एंड वैसे भी अच्छे व्लॉग्स हैं, 4 एपिसोड हैं उसके सिर्फ, तो वो भी देख लीजिएगा। एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैं बहुत बार बता चुका हूँ की स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, तो उसको भी जाकर फॉलो कर लें। सो मनाली इज जस्ट 19 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो गाइस हम मनाली में एंटर हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और मॉल रोड जहाँ से है 1.5-2 किलोमीटर। वैसे तो हम वहाँ से भी जा सकते थे लेकिन मैंने सोचा अंदर से चले जाते हैं, थोड़ा जल्दी पहुँच जाएंगे। ओके। तो गाइस पहाड़मपुर से मनाली 12 घंटे में आया मैं, इवन मैं अपने घर से कभी मनाली तक 12 घंटे नहीं मैंने लगाए, मैक्सिमम 8 से 10 घंटे। क्या करें, डॉक्टर साहब की स्पीड कुछ ज़्यादा है तो हमें भी उनकी स्पीड पर चलना पड़ता है, क्योंकि इकट्ठे हैं तो इकट्ठे ही रहना है। लेकिन डॉक्टर साहब को बोलना है कि कल महाराज सारचू जाना है, तो सारचू इतनी पास नहीं है, तो आपको कल बाइक को थोड़ा खींचना पड़ेगा। इवन मतलब कि मिनिमम जो स्पीड है वो 50 एवरेज आने चाहिए स्पीड की, तो फिर हम सारचू टाइम तक पहुँच पाएंगे। आई नो कि सारचू पहुंचना भी इतना इजी नहीं है, क्योंकि बहुत सारा पैच ऑफ रोड है, लेकिन क्या करें भाई, जाना तो है ही। तो चलो अब जल्दी से अपने होटल पहुंचते हैं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं मॉल रोड पे, आप सामने देख सकते हो ये मॉल रोड है, एंड जितने भी अच्छे और सस्ते होटल्स हैं वो लेफ्ट साइड हैं, तो आपको यहाँ से लेफ्ट साइड टर्न करना होगा। तो वैसे होटल्स वाले जो हैं हमें बुला रहे हैं, लेकिन हम जो है कि ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जब मैं हमटा पास गया था तो मैं एक होटल में रुका था, एप्पल ब्लॉसम, जो मैंने आई गेस सबको पहले बताया है, तो उसी होटल में हम दोबारा जा रहे हैं, क्योंकि वो होटल के रूम्स काफ़ी अच्छे थे एंड प्राइस भी 1000 रुपीज़ से कम ही है। सो मॉल रोड के बिल्कुल पास में है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे है आपका जो होटल है, मतलब आपका जहाँ हमारा इन फ्यूचर आप भी ले सकते हो वही वाला होटल। तो
होटल डायमंड, आई गेस यहीं से हमको राइट टर्न लेनी है। यहाँ तक मुझे जाना है गाइस, इधर राइट साइड पे पार्किंग भी, अगर आप गाड़ी पे आ रहे हो तो एप्लूजम जाने के लिए हमें यहाँ से लेफ्ट लेना होगा। एंड लास्ट में आपको मिल जाएगा होटल। होटल जो लेफ्ट साइड आपको दिखता है अभी। सो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूँ अपने रूम में। अभी लाइट्स ऑफ हैं क्योंकि की होटल वाले के पास है। तो ये वही रूम है जब मैंने हम टबास जाने के लिए लिया था। तो स्टे कनेक्टेड गाइस। सो गाइस अब हम होटल में सारा सामान रखाए हैं और सोच रहे कि एक बारी बाइक्स ना चेक करवा लें, क्योंकि हमको कल सुबह जल्दी निकलना है, तो एक बारी बाइक चेक करवा लें। तो गाइस अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, आई गेस 7 बज गए हैं रात के। काफ़ी इजी लग रहा अभी ना, क्योंकि सारा सामान रूम में छोड़ दिया है, तो थोड़ा फ्री सा लग रहा है। ये सारी रेडी मार्केट टाइप है, काफ़ी कुछ मिल जाता ना यहाँ पे खाने को, सब्जियाँ। तो आज तो इस बार तो इतना एक्सप्लोर कर पाएंगे मनाली को, क्योंकि सुबह तो निकल ही पड़ना है। तो यहाँ से आपको लेना होगा लेफ्ट और राइट साइड पे, ये रही आपकी मॉल रोड। रोड से ही हम लद्दाख की ओर जाएंगे डायरेक्ट। जब आप जाते हो तो पुल क्रॉस करके ही लेफ्ट साइड, ठीक है, नई रोड बन गई क्या कोई? ओ तो ये न्यू ब्रिज बन गया, पहले तो बड़ा बेकार सा था, छोटा सा, वैसे अच्छा भी था, स्टनिंग था। चलो अब अगर अच्छा बन गया तो और बढ़िया बात है। तो डॉक्टर साहब अभी आ रहे हैं पीछे मेरे, और ये रहा आपका ब्यास रिवर जो कि रोहतांग पास से शुरू होता है एंड पंजाब से होते हुए आई गेस पाकिस्तान में जाता है, आई एम नॉट कन्फर्म, पंजाब में तो आता ही है। तो गाइज यहाँ से शुरू होती है मनाली ले हाईवे। सो गाइज अभी हम बाइक के पास आए हैं अपनी बाइक्स को रिपेयर करवाने, वैसे तो ठीक है लेकिन चेकिंग करवाने आए हैं कि सुबह हमने जाना है लद्दाख, तो सारी सेटिंग वेटिंग कर देंगे ये, देख रहे हैं। तो आपको बताते हैं क्या नेक्स्ट अपडेट। अभी आपकी बाइक में कोई इशू होता है तो यहाँ पे शरीफ खान जी हैं, और ये जब आप ले की ओर चलते हो ना मनाली से, तो यहाँ पर इनकी शॉप मिलती है, और ये लिखा हुआ इस पर नवीन कार वॉश, और जो बड़े अच्छे से आपकी सारी बाइक सेटिंग वेटिंग जो भी रिपेयर आपको चाहिए आराम से हो जाएगी। तो भाई साहब को एक बार थैंक यू बोल देते हैं। ओके भाई थैंक यू। तो गाइस बाइक्स हमारी हो चुकी हैं रेडी, मतलब रेडी क्या कि चेकअप वेकअप सारा कुछ डन है, और अभी होटल में जाके देखते हैं थोड़ा नहा धो के चेंज वेंज करके, और फिर निकलते हैं फूड के लिए। एंड अभी जो मैकेनिक था उसने हमें काफ़ी गाइड करा, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम है लद्दाख ट्रिप, तो उसने हमें काफ़ी गाइड करा कि भाई यहाँ रुकना वहाँ रुकना, ये कैंप वो कैंप वो सारा। सो गाइज ये है हमारा रूम जो आप चेक कर सकते हो, एंड ये हमारा खलारा, ये वॉशरूम, एंड इसमें तो कुछ नहीं रखने वाले हम। सो गाइज अभी नहा धो के थोड़ा सा रेडी हो चुके हैं एंड जा रहे हैं बाहर लंच करने, सॉरी डिनर करने। एंड डिनर करने के बाद हमारा जो डे सेकंड और सेकंड एपिसोड ख़त्म हो जाएगा, और आप कनेक्टेड रहिएगा थर्ड एपिसोड के लिए जो कि हमारा होगा मनाली टू सारचू, जहाँ मनाली टू जिस्पा, कोशिश करेंगे कि सारचू ही पहुँच जाएँ, लेकिन अगर नहीं पहुँच पाए तो फिर हमें जिस्पा पे ही स्टे करना पड़ेगा कल। क्यों डॉक्टर साहब क्या सीन है फिर कल का, सारचू या जिस्पा? अभी तो कल ही बता पाएंगे,
कि कैसे हो रहा है और क्या होएगा कल। डॉक्टर साहब की क्या हो गई है।